Hello everyone, in today's class we are going to read our chapter Markets Around Us. This chapter is related to our civics portion related to SST. Now we will start this class. Market Around Us. Markets means होता है बाजार. Around चारों, हमारे चारों कितनी टाइप्स के मार्केट्स अवेलेबल हैं, किस तरह से बाजार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है. All things we know in this class. Let's start this class now. In this picture you can see markets, different types of markets. Markets related to spices, a big shopping mall, a small market related to bags and vegetables, fruits markets. In pictures you have already seen the different types of markets here. Now we will read about what is market. Market kya hota hai? What is market? मार्केट को हम हिंदी में बाजार कहते हैं. मार्केट्स कैन बी डिफाइंड. मार्केट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्लेस, उस प्लेस के रूप में वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ सेल परचेज ऑफ गुड्स, जहां पर जो खरीदार हैं या विक्रेता हैं वो एंगेज होते हैं उस गतिविधि में जिसके द्वारा सामान को खरीदा और बेचा जाता है, उसी को हम मार्केट्स कहते हैं. साधारण भाषा में अगर हम बात करें, वह प्लेस जहाँ पर हम सामान की खरीदी और बेची करते हैं उसको हम बाजार कहते हैं. मार्केट्स आर प्लेस हैविंग शॉप्स. मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर शॉप्स, दुकानें होती हैं. सेलिंग क्लोथ्स, जस्ट लाइक क्लोथ्स बेचना, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी के सामान आदि, इस तरह के एग्जाम्पल के रूप में हमने शो किया है. अलग अलग चीज़ों की भी मार्केट अवेलेबल होती है जहाँ पर हर तरह की वेराइटीज़ की शॉप हमें देखने को मिलती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स. अलग अलग टाइप्स की मार्केट्स होती हैं जो हमारी डेली नीड्स की जरूरत सामान से रिलेटेड होती हैं, एंड रैंगिंग फ्रॉम एंड हॉकर्स कार्ड्स. और कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो हॉकर कार्ड्स पर अवेलेबल होती हैं. वेजिटेबल सेलर्स हो गए इसमें, वीकली मार्केट्स हो गए, रिटेल मार्केट्स हो गया, या फिर लार्ज स्केल से रिलेटेड मार्केट्स होती हैं. तो अलग अलग टाइप्स की मार्केट्स हमारे आसपास पाई जाती हैं. यहाँ पर एक वेब चार्ट शो किया गया है जिसमें आप जान सकते हो कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं. मार्केट्स, फर्स्ट इज होलसेल मार्केट, जिसको हम थोक मार्केट भी कहते हैं. थोक में जहाँ पर आप सामान बड़ी अलॉट्स पे खरीद सकते हो, रिटेल, फुटकर मार्केट. देन वीकली, साप्ताहिक बाजार हम इसको कहते हैं. एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं उनको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड करते हैं. वन बाय वन हम जानेंगे इनके बारे में. होलसेल मार्केट किस तरह से वर्क करती है, स्पेशली फॉर बाइंग एंड सेलिंग बल्क्स. ये मार्केट्स वे मार्केट्स होती हैं जो बल्क्स, टनों माल एक साथ बड़ी बड़ी मात्रा में बेचती हैं. कंज्यूमर बाय डायरेक्टली. रिटेल मार्केट वो मार्केट्स जो जिसमें उपभोक्ता सीधे सीधे सामान खरीद सकते हैं. एंड वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार वो बाजार होते हैं जो सप्ताह में एक बार लगाए जाते हैं. मल्टी स्टोरेड मॉल्स, जहां पर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उनको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में इंक्लूड करते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स हमें अपने चारों ओर देखने को मिलती हैं. अब हम वन बाय वन जानेंगे इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट. जो वीकली मार्केट होती है, साप्ताहिक बाजार जो होते हैं जो सप्ताह में एक दिन रन होते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं. वीकली मार्केट्स आर मार्केट्स विच आर हेल्ड ओनली स्पेसिफिक डे ऑफ वीक. सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ये निश्चित डे पर हेल्ड होती हैं, सप्ताह में इनका दिन निश्चित होता है. द गॉड्स आर गुड्स आर अवेलेबल एट वेरी लो रेट्स. और इन बाजारों में जो सामान उपलब्ध होता है वो कम कीमत पर मिल जाता है, और इसमें बार्गेनिंग भाव मोल की सुविधा भी यहाँ पर आपको मौजूद होती है. आप इन मार्केट में जाकर अपनी मर्जी से भाव मोल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं मोस्ट ऑफ डेली यूज़ की थिंग्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं. नुकसान क्या होता है इनका. वीकली मार्केट्स आर नॉट परमानेंट, क्योंकि ये मार्केट सप्ताह में एक ही बार लगती हैं, ये परमानेंट स्थायी बाजार नहीं होते. दे आर ओपन टिल इवनिंग एंड आर देन क्लोज. ये केवल इवनिंग तक ओपन होते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं. दे डू नॉट हैव ब्रांडेड और क्वालिटी मटेरियल्स. इन मार्केट्स में आपको ब्रांडेड मटेरियल्स, उच्च क्वालिटी के मटेरियल्स आपको उपलब्ध नहीं हो पाते.
एज दे आर ओपन ओनली फॉर ए डे ऑफ वीक, क्योंकि ये केवल सप्ताह में एक ही दिन खुलते हैं, तो यहाँ पर आपको बाउंडेशन होती है कि आपको इसी दिन सामान खरीदना है, अन्य दिनों में आप इनसे कोई सामान नहीं प्राप्त कर सकते। सम कॉमन वीकली मार्केट्स, कौन कौन सी कॉमन वीकली मार्केट्स पाई जाती हैं। नॉर्मली जो वीकली मार्केट्स लगाई जाती है, आप इसमें देखते हैं सब्जी बाजार आपका होता है, या क्लोथ मार्केट्स भी होती हैं, और यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स के सामान भी आपको मिल जाते हैं। ये कॉमन मार्केट्स के रूप में जानी जाती हैं, जो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग दिन हेड की जाती हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड, जो आपके आसपास की शॉप्स होती हैं, पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, हम उनको नेबरहुड मार्केट के नाम से जानते हैं। दीज शॉप्स आर नियर अवर हाउस, ये जो शॉप्स होती हैं ये हमारे घरों के आसपास होती हैं। वी कैन गो देयर एनी डे ऑफ वीक, आप यहाँ पर किसी भी दिन, सप्ताह में किसी भी दिन आप यहाँ से सामान खरीद सकते हो। एनी टाइम, आप दिन में कितनी भी बार यहाँ से सामान ला सकते हो। एंड दे हैव ए वेराइटी ऑफ गुड्स, यहाँ पर वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती है सामान की, दैट इंक्लूड अवर एवरीडे नीड्स, और इसमें हमारी डेली ज़रूरत के सामान भी शामिल होती हैं। और जनरली जो शॉप होती है नेबरहुड में आपकी, वहाँ पर जो बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं, और जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो जनरली एक दूसरे को जानते हैं। सो दिस कैन प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, और इसलिए यहाँ पर जो सामान बिकता है या खरीदा जाता है, वो क्रेडिट के आधार पर आसानी से आपको मिल जाता है। आपको पता होता है कि आपके पड़ोस से जो सामान आप ले रहे हो, वो आपको सही माल मिलेगा, वहाँ से आपको सही क्वांटिटी मिल जाएगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने जाना, एक ही वे होती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो शॉप्स होती हैं, वो मार्केट होती है जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे हर ब्रांडेड क्वालिटी का माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। मार्केट के साथ साथ यहाँ पर आपके अम्यूज़मेंट की भी फैसिलिटीज़ होती है, जस्ट लाइक गेम्स हो गए आपके, यहाँ पर थिएटर्स भी होते हैं जहाँ पर आप मूवीज़ भी देख सकते हो, कैंटीन्स की सुविधा भी यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेजेस ले सकते हो। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, हब ऑफ शॉप्स विद इन ए डिफाइन एरिया, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की शॉप्स का एक हब समूह होता है, और डिफाइन एक निश्चित एरिया पर ये सब शॉप्स मौजूद होती हैं। मॉल्स, ये एयर कंडीशन होते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, और ईच फ्लोर पर आपको अलग अलग टाइप्स की शॉप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो ब्रांडेड क्वालिटीज चाहिए, वो आपको सुपीरियर क्वालिटी का माल यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दे हाउस ए नंबर ऑफ बिग कंपनीज, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ऑल काइंड्स की, वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जिनको ब्रांडेड माल चाहिए, वो आप आसानी से इन मॉल्स में जाकर उनको खरीद सकते हैं। इनका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, द ब्रांडेड गुड्स आर वेरी कॉस्टली, जो ब्रांडेड क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। फ्यूअर पीपल्स कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स, और बहुत कम पीपल्स ऐसे होते हैं जो इन ब्रांडेड क्वालिटीज़ के माल को अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक एक्सपेंसिव होते हैं। बार्गनिंग इन दो इन दिस शॉप्स नॉट पॉसिबल, और एक लॉस ये होता है कि यहाँ पर आप बार्गनिंग, सौदेबाजी, भाव मोल नहीं कर सकते हैं। आपको फिक्स्ड रेट पर यहाँ पर माल उपलब्ध होगा, जो रेट यहाँ पर फिक्स्ड होता है, शॉप पर लिखा होता है, आपको उसी रेट पर वहाँ से माल खरीदना होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैव लार्ज इंटीरियर्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका जो इंटीरियर होता है विशाल होता है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं स्पॉन्सर्ड बाय ह्यूज कंपनीज, और इनको बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स के कंफर्ट को ध्यान में रखा जाता है, जस्ट लाइक एयर कंडीशनर होते हैं ये, एक्सीलेटर्स यहाँ पर होता है, बिलिंग्स जो होती है वो कंप्यूटर्स के थ्रू होती है, तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पिक्चर्स में शॉपिंग मॉल्स की पिक्चर्स देख सकते हो, ये एक बड़े एरियाज़ में हेड किए जाते हैं, और आपको यहाँ पर सभी सुविधाएँ देखने को मिल जाती हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जो सामान होता है वो सबसे पहले फैक्ट्रीज़ में निर्मित होता है। दे आर बॉट बाय होल सेलर्स ट्रेडर्स इन ए बल्क, वहाँ से फैक्ट्रीज में निर्मित होने के बाद एक बड़ी अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में इस सामान को थोक विक्रेता के द्वारा खरीद लिया जाता है। बल्क के बल्क टनों माल यहाँ से खरीदा जाता है। फिर होल सेलर्स जो होते हैं, वहाँ से रिटेलर्स, स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं, छोटी छोटी दुकानें जिनकी होती हैं, वो होल सेलर्स मार्केट से इस सामान को परचेज करते हैं। इन रिटेलर शॉप से कस्टमर्स जो होते हैं, वहाँ से इस सामान को आसानी से खरीद सकते हैं। इस तरह से जो सामान निर्मित होता है फैक्ट्रीज़ में, वो वीकली मार्केट में, नेबरहुड शॉप्स में पहुँचता है,
होलसेल मार्केट के थ्रू फुटकर मार्केट तक पहुंचता है और इस तरह से मार्केट चेन वर्क करती है और यहाँ से हम आसानी से इस सामान को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट चेन होती है उसमें कौन कौन से पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। मार्केट चेन में कस्टमर्स उपभोक्ता, दैन रिटेलर्स फुटकर विक्रेता और एक्सपोर्ट जो करते हैं माल को, प्रोसेसर्स और मैन्युफैक्चरर्स निर्माण कार्य व्यक्ति हो गए, फार्मर्स जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं फैक्ट्रीज को, एंड एग्रो इनपुट्स जो खेती से रिलेटेड इनपुट्स होती हैं जिसमें सप्लायर्स, रिसर्च डेवलपमेंट और फाइनेंस तीनों को शामिल किया जाता है। ये सब इन्वॉल्व होता है एक मार्केट चेन में, मार्केट वर्क में। एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट्स, अब एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट्स भी हमें देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे डिजिटल हमारा इंडिया होता जा रहा है, डिजिटल डेवलपमेंट होता जा रहा है, एक नई तरह की मार्केट हमें देखने को मिलती है। पीपल इन अर्बन एरियाज कैन एंटर मार्केट्स, पीपल्स अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में बिना मार्केट में प्रवेश किए बाजार तक पहुंच सकते हैं। वो घर पर रहकर ही इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्रेडिट कार्ड्स ऑनलाइन परचेज के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल शो किए गए हैं जैसे कि स्नैपडील हो गया आपका, अमेज़ॉन हो गया, यहाँ पर होम शॉप हो गया, ये सब वर्क करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में। और यहाँ से आप साइट्स पर जाकर घर बैठे ही मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने सामान को खरीद सकते हैं। इनइक्वालिटी इन मार्केट्स, अब न्यू टर्म्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, असमानता मार्केट्स में, बाइंग और सेलिंग में असमानता हमें देखने को मिलती है। अब बायर्स और सेलर्स दोनों को ही यह असमानता फेस करनी पड़ती है। ये असमानता वो किस तरह से फेस करते हैं, डिफरेंट बायर्स हैव डिफरेंट इनकम्स, अलग अलग जो बायर्स होते हैं उनकी अलग अलग इनकम होती है। सो दे बाय द प्रोडक्ट्स दैट फिट्स इन देयर बजट, तो वे उन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो उनके बजट में फिट होते हैं। इट मे बी आइदर ए वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चाहे वो वीकली मार्केट से खरीदा गया हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीदा गया हो। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या होती है, बायर्स को सभी बायर्स एक जैसा सामान नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वीकली मार्केट में जो क्वालिटी होती है वो हल्की होती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो बायर्स जो होते हैं उनको हर जगह एक जैसी क्वालिटी प्राप्त नहीं होती, इस तरह से इनइक्वालिटी यहाँ पर बायर्स के लिए देखने को मिलती है। जस्ट लाइक सेम सेलर्स एंड प्रॉफिट्स अनइक्वली, जो सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं, सामान को बेचने वाले होते हैं, उनको भी प्रॉफिट्स के रूप में असमानता यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। वो पीपल्स वन हु सेल्स गुड्स इन ए वीकली मार्केट, वह विक्रेता जो वीकली मार्केट में सामान बेचता है उसको कम प्रॉफिट होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेचे जाने वाले माल की तुलना में। जो विक्रेता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में माल बेचता है उसकी तुलना में उसको कम प्रॉफिट मिलता है। द सेलर्स इन ए वीकली मार्केट कैन नॉट इन्वेस्ट मोर मनी, अब जो वीकली मार्केट में सेलर्स होते हैं वो कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं जबकि, और सो हैज़ लेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसी कारण से उसके पास जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी होती है वो भी कम पाई जाती है। लेकिन वो सेलर्स जो मॉल्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास अधिक मनी होता है और उनके पास प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज़ होती है, वैरायटीज़ होती हैं, वो भी अधिक पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग की केस स्टडीज़ की। मार्केटिंग इज़ ए न्यू वे फॉर सक्सेस इन द बिजनेस, व्यापारिक गतिविधियों में सक्सेस प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग करना एक नया ट्रेंड है। इट मीन्स थिंकिंग अबाउट ए बिजनेस इन टर्म ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, बिजनेस की टर्म्स को हम सोच सकते हैं कंज्यूमर्स की ज़रूरत और उसकी संतुष्टि। मार्केटिंग टेक्निक्स इंक्लूड, अब जो मार्केटिंग टेक्निक्स होती है उसमें शामिल किया जाता है चूजिंग टारगेट मार्केट्स, सबसे पहले हम टारगेट मार्केट्स को चूज करते हैं और मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम पहले मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं। अब टारगेट मार्केट्स कैसे, जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में हम देखें, अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमें पहले ये निर्धारित करना होगा कि किस तरह के कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसके लिए हमें पहले टारगेट मार्केट्स निर्धारित करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स बिहेवियर, और उसके बाद हमें उपभोक्ताओं के बिहेवियर को भी जानना होगा, और एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, अब अपना जो एडवर्टाइज हमें करना है वो उसी वे में उस एडवर्टाइजमेंट पर इन्वेस्ट करना होगा कि किस तरह की व्यक्ति उसको माल को खरीदेंगे और किस तरह का एडवर्टाइजमेंट पर हमें इन्वेस्ट करना है, और ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी कस्टमर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करने के बाद। मार्केटिंग ब्लेंड आर्ट एंड सप्लाई साइंस, अब जो मार्केटिंग होती है उसमें कला, ये एक समूह होता है आर्ट और अप्लाई साइंस, विज्ञान और कला के मेल को
हम मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना चाहिए। लर्निंग योर कस्टमर्स नीड्स, इसके लिए हमें कस्टमर्स की ज़रूरत को भी लर्न करना आना चाहिए, मींस पढ़ना आना चाहिए। हाउ कैन ऐड वैल्यू थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड पाव द वे फॉर ए गुड मार्केटिंग, और मार्केटिंग को अच्छा बनाने के लिए हम किस तरह से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, तभी हम मार्केटिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? अब टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एट विच, कस्टमर्स का वो समूह जिस पर हम लोग, विच ए कंपनी एम्स इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, जिस पर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सेवा को टारगेट करती है, उस कस्टमर्स को हम मार्केट टारगेट मार्केटिंग के रूप में जानते हैं। एज द कंपनी आइडेंटिफाई इट्स पोटेंशियल कस्टमर, जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पोटेंशियल इच्छित कस्टमर को चुन लेती है, इट विल बी सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग इट्स सर्विस टू द कस्टमर, तभी वह सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकती है उन कस्टमर्स तक जिन जो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, टारगेट मार्केटिंग ऑफ ए कंपनी सेलिंग डॉल्स विद बी स्मॉल चिल्ड्रंस, अब मान लिया कोई कंपनी है जो टॉयज को लॉन्च करने वाली है, तो उसके लिए टारगेट मार्केटिंग क्या होगा? उसके लिए छोटे छोटे बच्चे टारगेट मार्केटिंग मार्केट होंगे। अब अगर वो अपने प्रोडक्ट को बिग पीपल्स की मार्केटिंग में इन्वॉल्व करेगी और उसको वहाँ पर एडवर्टाइज करेंगी, तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, उसको अपने एडवर्टाइजमेंट को बच्चों से रिलेट करके प्रमोट करना होगा और उसी पर ध्यान देना होगा टारगेट मार्केटिंग को यूज़ करते हुए। इस तरह से जो टारगेट मार्केटिंग की टेक्निक्स होती है वो मार्केट में वर्क करती है और उसी के आधार पर एडवर्टाइजमेंट तैयार किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हियर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।